हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज यहाँ पे हम बात करने वाले एक नए अपडेट की। देखो, फेसबुक आप यूज करते होगे और फेसबुक यूज करते होगे तो मैसेंजर भी यूज किया होगा, मतलब कुछ कुछ हो व्हाट्सएप जैसा है, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ मैसेज वगैरह भेज सकते हो, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल ये सारी चीजें कर सकते हो, स्टिकर्स वगैरह भेज सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करने वाले फेसबुक मैसेंजर के अंदर आए एक नए अपडेट की जो 2019 में आया है। आपको लगेगा कुछ कुछ सिमिलर है व्हाट्सएप जैसा, लेकिन काम की चीज है, देख लेते हैं। क्या क्यों कैसे कब देखो अब। हाँ, देखो अब। तो देखिए, आजकल हर जगह एक ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, वो ये है कि अगर आपने कोई मैसेज भेज दिया किसी को तो उसको अंडू कैसे करें। अब अंडू मतलब नहीं समझते आप, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने मैसेज भेज दिया है और वो अगले के पास पहुंच गया है, तो वहां से उस मैसेज को वापस कैसे बुलाएं। अब यहाँ पे मान लो आपकी 2-3 गर्लफ्रेंड हो गई और यहाँ पे आप चैट कर लो फेसबुक मैसेंजर पे, और सोना स्वीटी मान लो ऐसे दो लड़कियों से बात कर लो, दो दो गर्लफ्रेंड है, लेकिन दोनों गर्लफ्रेंड को नहीं पता है आपस में एक दूसरे को, और आपने गुड नाइट लिखा सोना को, तो आपने गलती से लिख दिया गुड नाइट स्वीटी, और भाई वहां पे पता चला आपकी दोनों को पता लगे और आपका भंट हो गया यहाँ पे। तो ये तो मजाक था, लेकिन अगर सीरियस इशू पे देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत मैसेज किसी अगले बंदे को भेज देते हैं, तो फिर उसको वापस कैसे बुलाना है ये मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ फेसबुक मैसेंजर के अंदर। और देखिए, ये अपडेट अभी 2019 में आया, 2018 में इसके ऊपर काफी बात हुई थी, चर्चा हुई थी कि अपडेट आएगा। पहले यह व्हाट्सएप में दिया गया, फिर वहां पे देखा गया कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है, वहां पे काफी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, इसलिए अब ये फेसबुक के मैसेंजर के अंदर भी आ गया है। तो कैसे करना है देखते रहिए। अच्छा, इस चीज को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए ना हम दो फोन लेंगे, तो एक फोन ये रहा मेरे हाथ में, दूसरा फोन ये रहा। ये इसमें मेरी मॉम का अकाउंट है, इसमें मेरा अकाउंट है, ठीक है। तो मैं अपने अकाउंट से अपनी मॉम के अकाउंट को मैसेज करूंगा और फिर मैं उसको वापस बुला के दिखाता हूं आपको कि कैसे करना है। तो ऐसे आप किसी को भी मैसेज करते हो, कैसे मैसेज को डिलीट कर सकते हो वो देखते रहो आप। तो भाई उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है मैसेंजर में। ये आ गया मैं मैसेंजर में अपने। उसके बाद देखो मैसेंजर में बहुत सारे मैसेज है, लेकिन पुराने मैसेज आप यहाँ पे रिट्रीव नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे सिर्फ नए मैसेज जो आपने 10 मिनट के अंदर अंदर किए हैं उसी को रिट्रीव कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप कहीं सोचो कि मैसेज भेज दिया और फिर अगले दिन सुबह जाके आपको याद आए कि नहीं यार सोना को मैंने स्वीटी बोल दिया था, तो भाई तब तक तो सोना और स्वीटी दोनों निकल जाएगी हाथ से। ये काम सिर्फ 10 मिनट के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हूँ मैं अपने मैसेंजर के अंदर, यहाँ पे मैं करता हूँ अपनी मॉम को एक मैसेज, फॉर एग्जाम्पल हाय मॉम, और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मॉम का मैसेज आ गया। चलो यहाँ भी मैसेंजर में जाते हैं और ये देखो यहाँ पे हाय मॉम आ गया, ठीक है। अब मुझे ये मैसेज जो है इसको वापस बुलाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूंगा जहां से मैंने मैसेज को भेजा था हाय मॉम। उसके बाद यहाँ पे देखो रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको टच करना है और यहाँ पे दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, रिमूव फॉर एवरीवन या रिमूव फॉर यू। आप चाहते हो उसके वहां से भी वो मैसेज रिमूव हो जाए, तो रिमूव फॉर एवरीवन करना है। ये टच किया मैंने, यहाँ पे कुछ पूछेगा ये इससे कि आप परमानेंटली इस मैसेज को रिमूव कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है रिमूव, और भैया यहाँ पे आपका मैसेज हट जाएगा। और यहाँ पे भी देखोगे आप कि यहाँ पे मेरी मॉम के अकाउंट में भी वो मैसेज हट चुका है। तो यहाँ पे एक मैसेंजर से दूसरे मैसेंजर में अगर आप मैसेज भेजते हो तो इस तरीके से आप अपने मैसेज को वापस बुला सकते हो। तो ये था भाई यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस कि अगर आप किसी को मैसेज भेजते हो फेसबुक मैसेंजर के अंदर, तो इस तरीके से आप उसको विद इन 10 मिनट्स 10 मिनट के अंदर आप उसको वापस बुला सकते हो। 10 मिनट अगर बाहर हो गए और गलती से आपने गलत मैसेज भेज दिया तो भैया भगवान बचाए आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे करना है, बहुत आसान से काम है। कोई इशू है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, टाइप कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल भी आपके लिए ही बना है। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, आगे मिलते हैं, बाय बाय।